आप सुन रहे हैं रेडियो नशा पॉडकास्ट ब्रॉट टू यू बाय एचटी स्मार्टकास्ट। क्रेजी फॉर किशोर विद क्रेजी आरजे सुदेश भोसले। और अब वक्त है किशोर के फंडों का। अजी सुनिए तो किशोर के फंडे। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी। लॉस्ट एंड फाउंड फिल्मों से जाने कितने डायरेक्टर्स ने की बोनी। तो शुरू करते हैं आज का शो और थीम है आज के शो की लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब लॉस्ट एंड फाउंड शब्द से जुड़े किस्से। लेकिन सभी किस्सों के कॉमन फैक्टर होंगे ऑफ कोर्स किशोर दा। 70 के दशक में काफी बड़ी चीजें हुई हिंदी सिनेमा में। फॉर्मूला फिल्म्स की शुरुआत, मनमोहन देसाई की मसाला एंटरटेनर्स, आर डी किशोर का कॉम्बिनेशन और किशोरदा के सबसे बेहतरीन गाने। लेकिन कुछ बात हुआ करती थी पहले की फॉर्मूला फिल्मों की, जो ज्यादातर मनमोहन देसाई डायरेक्टर फिल्म्स थी। सबसे खास बात होती थी म्यूजिक, और गानों के लिए चॉइस होती थी किशोरदा। किशोरदा के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे किस्सा याद आता है उनके लॉस्ट कॉन्फिडेंस का और कैसे उन्होंने उसको फाइंड किया। उन दिनों सभी फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर रहते थे डी आर डी बर्मन, एंड डेफिनेटली उनकी पहली चॉइस हुआ करती थी किशोर कुमार। एक वक्त पर किशोरदास स्टेज शाय थे और स्टेज से भागते थे। एक बार प्लेबैक सिंगर्स एसोसिएशन का एक इवेंट था और तलत महमूद साहब को किशोरदा को उस इवेंट पर लाने की जिम्मेदारी दी गई। जब वो उनके घर पहुंचे तो किशोरदा अपने आप को लॉक करके बैठ गए थे क्योंकि कॉन्फिडेंस था एकदम लॉस्ट। लेकिन आगे जाकर एक बार कहीं सुनील दत्त साहब ने उनको 1970 में एक इवेंट से पहले मेंटली तैयार किया और उनका लॉस्ट कॉन्फिडेंस बनाया फाउंड, एंड देन ही रूल्ड ऑल द स्टेज शो। आज लॉस्ट एंड फाउंड की बात कर रहे हैं तो दिमाग में जो फिल्म सबसे पहले आ रही है वो है अमर अकबर एंथनी, और इस फिल्म का वो क्लासिक गाना अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी। तो मान लीजिए वो गाना गा रहे हैं हमारे प्यारे नितिन मुकेश जी, तो कैसा लगेगा ये किशोरदा का गाना उनकी आवाज में। यू होता तो क्या होता। नितिन मुकेश सिंगिंग अनहोनी को होनी कर दे। अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। और इसके बाद चलते हैं मेरे गाने की तरफ, सुदेश भोसले लाइफ की तरफ, 1970 की सबसे कामयाब फिल्म जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम। लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पर बनी एक बहुत ही लैंडमार्क फिल्म। किशोरदा गाते भी थे तो बिल्कुल देव साहब के मैनरिज्म्स को फॉलो करके, और इस फिल्म का शायद ही कोई गाना है जो हिट ना हुआ हो। तो हो जाए इस फिल्म का मेरा एक फेवरेट गाना। सुदेश भोसले लाइव। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले, दो दिन के लिए कोई इकरार कर ले झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले जो उं 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 उं। आज लॉस्ट एंड फाउंड फिल्म की बात कर रहे हैं इसलिए किशोरदा की लॉस्ट फिल्में याद आ रही हैं। उनकी कुछ फिल्में हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हुई, और ऐसी ही एक फिल्म है सुहाना की, जिसमें उन्होंने सारे गाने हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित बनाए थे और 9 गाने कंपोज किए। लेकिन फिल्म की हीरोइन और उनकी पत्नी मधुबाला की खराब तबीयत के चलते फिल्म को शेल्फ करना पड़ा। कैसे किशोर और कैसे किससे, ये दोनों बातें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन बाकी ड्यूटीज भी खत्म करनी है ना,
तो मैं चलता हूँ और मैं फिर आऊंगा इसी शो में जिसका नाम है क्रेजी फॉर किशोर। इस पॉडकास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें @HT Smartcast। हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।